हेलो एवरी वन गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ओके जस्ट लेट मी नो लेट मी नो की आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है क्या इज एवरी थिंग इज ओके और स्क्रीन दिख रही है एंड वॉइस uh, जो है वो क्लियर है सो देन वी कैन गो अहेड हेलो अंजलि वंशिका एवरी वन जेबा अब बच्चा जल्दी जल्दी से मुझे बता दो जल्दी जल्दी से मुझे बता दो कि आवाज़ जो है क्लियर आ रही है वॉइस इज़ प्रॉपर सो देन क्विकली वी कैन क्विकली वी कैन प्रोसीड है नाइट ऑल राइट चलो ठीक है आई थिंक एवरी थिंग इज ओके सो चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो कल का जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था है ना कल का जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था वो हम लोग कर लेंगे एंड देन उसके बाद में हम क्या करेंगे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन सर्फेस कर लेंगे एंड देन फिर हम लेंस करेंगे मतलब आज थोड़ा सा क्वाइट लंबा लेक्चर आने वाला है एंड आई होप आप लोग पेशेंस हैं पेशेंस रखेंगे ठीक है यू ऑल मस्ट बी पेशेंट चलो फटाफट फड़ से आप लोग बाकी लोग के साथ शेयर कर दो थैंक यू सो मच चलो 2022 की क्लास बच्चा कल मॉर्निंग से चालू कर रहे हैं सेवन ए एम से आज मैं आपको इवन रात को लाइव भी आके मिल रही हूँ पूरा मैं आपको उसका स्कड्यूल सारी चीजें बता दूंगी आप लोग टेंशन नहीं लो ठीक है आप बिल्कुल भी बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लो सारी चीजें हो जाएंगी कल मॉर्निंग सेवन ए एम से ट्वेंटी टू वाले लोग के लिए स्टार्ट हो रही है और ये भी आप देख सकते हैं ऐसा कुछ मतलब यू you नो know, अच्छी बात है आपका रिविजन हो जाएगा तो जो लोग यहाँ पर न्यू हुए हैं बच्चा उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन माई सेल्फ अर्चना पांडे एंड रेस्ट एवरी थिंग इज़ देयर ऑन द स्क्रीन आप लोग ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको अपडेट्स एंड बाकी चीज़ें मिलती रहें रेगुलर आप लोग में से कोई अगर मुझसे प्लस पे पढ़ना चाह रहा है तो आप ये मेरा कोड है अर्चना टेन आप इसको यूज़ कर सकते हैं आप ट्वेंटी थ्री के स्टूडेंट्स हैं ट्वेंटी फोर मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो ट्वेंटी टू के हैं ठीक है तो देन ये क्या हो जाएगा पेशेंस हो या पेशेंट दोनों का ही डील करना पड़े अरे भाई तुम डॉक्टर्स हो तुम्हारे लिए पेशेंट और पेशेंट सब वही है ठीक है इसीलिए बोला ना कि तुम पेशेंट भी बने रहो और पेशेंट्स भी रखो तुम डॉक्टर्स हो एक्स्ट्रा लोग हो तुम लोग ठीक है तो ये हो गया एंड याद रखना आप ये मेरा कोड यूज कर सकते हैं ऑलरेडी मेरे बैचेस चल रहे हैं फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू गाइज एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री पीपल ठीक है आ, बाकी आप स्पेशल क्लास पे जुड़ने के लिए कल से जो अपनी स्पेशल क्लास होगी फॉर यू नो आप लोग के लिए मैं बताती हूँ चलो उसको स्पेशल क्लास में बता देती हूँ प्रैक्टिस क्लास होगी तो यहाँ से आप यहाँ से आप देख लीजिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा सो so दैट कि आपको सारी चीजें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं मुद्दे की बात ये है कि कल हम लोग ने क्या क्या किया हुआ था क्विकली जस्ट ये स्लाइड्स आप लोग देख लो हम लोग ने ये सारी चीजें जबरदस्ती की पढ़ ली थी है ना रात को सबको नींद आ रही थी फिर भी हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए है ना ये सब चीजें ये सब चीजें हमने कल रात तक पढ़ी थी भाई तुमको डॉक्टर वाली फीलिंग लाने के लिए हमने हमने डॉक्टर वाला कॉनकेव मिरर लाया ठीक है नॉर्मल कॉन्केव नहीं लाया अदरवाइज तो हम लोग ये ना मेकअप मेकअप वाला भी लेके आ सकते थे गुड आफ्टरनून बच्चा गुड आफ्टरनून ठीक है तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी एंड वी वर हियर है ना हमको मिरर फॉर्मूला पढ़ना है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला में पढ़ने में क्या जाता है मिरर फॉर्मूला तो सबको मालूम है हेलो बच्चा हेलो लक्षित ठीक है तो मिरर फॉर्मूला पढ़ने में क्या जा रहा है मिरर फॉर्मूला तो हम सबको पता है मिरर फॉर्मूला क्या है सिंपल सी चीज है अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं आप लेट वन सेकेंड इसको थोड़ा सा पतला किया जाए लेट हमने क्या बोल दिया कि आपने यू किसको बोल दिया विच इज नथिंग बट डी वर्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है आपने यू को क्या बोल दिया बच्चा ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड बी इज नथिंग बट नी वर्ड विच इज इमेज डिस्टेंस बी क्या है इमेज डिस्टेंस है ठीक है so, सो आप एंड एफ जो है एफ इज नथिंग बट डी फोकल लेंथ ठीक है आप आप क्या बोल रहे हैं फोकल लेंथ एंड याद रखो यहाँ हम किसी स्पेसिफिक मिरर की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है मतलब वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है कॉन्केव भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट इन जनरल जो मिरर फॉर्मूला है आपको पता है विच इज नथिंग बट डी वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या होता है वन बाय एफ होता है हाँ या ना अब आप जिसके लिए भी यूज करेंगे अगर आप कॉन्वेक्स के लिए यूज कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन लगाना मत भूलना ठीक है अगर आप कॉन्केव के लिए यूज कर रहे हैं तो आप साइन कन्वेंशन यूज करना मत भूलना बिकॉज यू नो एज पर साइन कन्वेंशन हमको जाना पड़ता है अभी जैसे आपको पता है आपको पता है अगर यहाँ हम लिख दें, ठीक है? चलो हम यहां लिख देते हैं क्या-क्या होता है? For convicts, आपको है, आपको मालूम यू तो सबके लिए नेगेटिव होता है सबके लिए negative होता है, जनरली हम बी जो होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज एक ही केस में है कि जो वर्चुअल फॉर्म होता है एक ही केस में जो होता है मतलब वर्चुअल क्या एक ही केस में तुम्हारा कॉन्वेक्स में जो होता है वो रियल

वेरी गुड ये हुई ना बात एंड देन उसके बाद में एंड उसके बाद में फिर यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे कॉन्केव के लिए तो कॉन्केव में क्या होता है कॉन्केव में तुम्हारा पॉजिटिव कुछ भी नहीं होता है ठीक है यहाँ तुम पॉजिटिव किसी चीज की उम्मीद नहीं रख सकते हो याद रखो यू जो होता है यू नेगेटिव होता है यू यू किसी भी केस में नेगेटिव होता है यहाँ यू भी, 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 भी नेगेटिव होता है बी भी नेगेटिव होता है एफ भी नेगेटिव होता है आर भी नेगेटिव होता है तो सब चीजें नेगेटिव होती हैं क्यों आप देखो ना कॉनकेव बोल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में स्फीयर कंप्लीट होता है हाँ या ना? ये देखो ना ये इस तरह से कॉनकेव है आप इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे तो लेफ्ट साइड में तुम्हारा रेडियस भी लेफ्ट साइड में आएगा फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा यू नो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखा ही जाता है एंड वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी बोल रही हूँ सॉरी इमेज इमेज आपको पता है कि हमेशा कॉनकेव में रियल इमेज फॉर्म होती है ऑलवेज रियल इमेज फॉर्म होती है एक्सेप्ट को बिटवीन फोकल लेंथ बोलो फोकस पॉइंट बोलो ठीक है पोल फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्चुअल फॉर्म होता है तब राइट साइड राइट साइड में वो टाइम पे तब पॉजिटिव होगा तो एज ऑफ नाउ मैं दोनों के लिए मैंने एक्सेप्शन वाली केस नहीं लिखी हुई हैं बिकॉज़ एक्सेप्शन वाला जनरली क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है ठीक है uh, अ uh, uh, शशांक शशांक मेरा जो क्लास का टाइमिंग बच्चा वो 10:45 पीएम ही है बट संडे को संडे को मैं जनरली आफ्टरनून या फिर यू you नो know, मॉर्निंग में लेती हूँ ठीक है अभी नेक्स्ट वाले संडे से मैं संडे का भी टाइम फिक्स कर दूंगी बिकॉज एक्चुअल में आपकी क्लासेस मिस मिस हो गई थी अदरवाइज जनरली संडे भी मैं ऑफ ही दे देती हूँ आप लोग के लिए बट सिंस मैं दो दिन आप लोग की क्लास नहीं ली है तो इसीलिए इसी फिर मैंने आज संडे को क्लास रखी हुई है अदरवाइज अपना क्लास का टाइमिंग जो रात का ही है टेन फोर्टी फाइव पी एम ठीक है ये जो है ये अपना फिक्स टाइमिंग है टेन फोर्टी फाइव पी एम बट उसको कवर करना था तो इसीलिए मैंने ये क्लास आज ली हुई है एंड आज थोड़ा है तो हमको काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा बिकॉज रात को फिर तुमको बजे के बाद नींद आने लगती है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है रिलेटेड टू मिररल फॉर्मूला मतलब इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि देखो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं जैसे कि इमेज अगर फॉर्म हो रहा है तो सर्टेन कुछ डिस्टेंस पे हो रहा है ओ,

यहां अभी आपका दो दिन मिस हो गया था द रीजन मुझे आज आफ्टरनून में रखना पड़ा थोड़ा ज्यादा उसको लंबा लेना है बिकॉज काफी चीजें कवर करनी है टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए है ना जल्दी जल्दी हमको ऐसे ही नहीं जाना है सब चीजें कवर करके रिवाइज होनी चाहिए ऑल राइट right? चलो ये तुम्हारा हमने क्या बोल दिया कि एक्स वन एन एक्स टू हो गया विच इज वॉट मेजर फ्रॉम दी पोल आपको सबको मालूम है कि डिस्टेंस यहाँ से होता है सो so, अगर इस केस में अगर आप फॉर्मूला सिंस आपको मालूम है कि वन बाई वी

अगर कभी जरूरत पड़ी ऐसा कुछ यूज करने का तो ठीक है ये वाला फार्मूला तो जनरली हम नहीं यूज करते हैं ये फॉर्मूला हम जनरली ये फॉर्मूला हम जनरली नहीं यूज करते हैं तो आप लोग इसीलिए टेंशन नहीं लेना और राइट ठीक है अब अगर हम इसकी अगर हम इसके यू you नो know, ग्राफ्स वगैरह के बारे में बात करते हैं अगर हम किसके बारे में बात करते हैं चलो हम ग्राफ वगैरह तो एक ग्राफ हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं क्या वी वर्सेस वी वर्सेस यू ठीक है मतलब मतलब क्या आप बोल रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ एक्सेस ले लेती से बट अगेन इसको अपने को ऐसे लेना पड़ेगा ना ये तो गड़बड़ हो जा रहा है ऑफ हो जाता है आई थिंक ना आई थिंक नाउ इट इज प्रॉपर आई थिंक नाउ इट इज प्रॉपर तो ये देखो ये देखो यहाँ से क्या हो गया कि हम लोग ने क्या प्लॉट किया ये हम लोग ने इसको एक्स प्लॉट किया एक्स करेक्ट कर so. है तो अब देखो ये, जो, ये जो यहाँ से लाइन जा रही है ठीक ये, ये है सो so, दी एज पर दी फॉर्मूला ध्यान से देखो ध्यान से देखो अगर आप क्या बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज आर क्या इन्फिनिटी है आर इन्फिनिटी है आपको फॉर्मूला पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है ठीक है Is equals to, and आपको रिलेशन भी मालूम है कि ये वन बाई एफ होता है या ना है बच्चा तो आप देखो ना तो ये तुम्हारा एफ क्या हो जाएगा सो देर फोर एफ जो हो गया मतलब यहाँ से वन r हो जाएगा एंड आर इट सेल्फ इज इन्फिनिटी तो आप बोल सकते वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है कि नहीं अगर वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो So therefore, आप आप बोल बोल सकते हैं कि हो गया दो तो दिख रहा है आपको आप देख पा रहे हैं ठीक है द रीजन द रीजन कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा ये आपका ये जो ग्राफ है वो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगा ठीक है जब तुम्हारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो वो टाइम पे सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है तो वो टाइम इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है जो कि यहाँ पर आ रहा है फोर्थ आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव है इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है बट सेकेंड क्वार में तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब नेगेटिव है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है इज दिस क्लियर एवरी वन या ना सबको समझा तो ये कौन सी वाले केस के लिए दिस इज फॉर दी प्लेन मिरर दिस इज वट फॉर प्लेन मिरर क्योंकि प्लेन मिरर का ही जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट हाय गुड इवनिंग बच्चा गुड इवनिंग आप सबको मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका इन्फिनिटी होता है प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है बट अगर हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करें अगर अगर हम किसके बारे में बात करें इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर वहां तो इन्फिनिटी नहीं होता है क्लियर है सबको ठीक है अगर आप यहाँ स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहे हैं नाउ अगेन वी विल प्लॉट दी वर्ड ग्राफ हम ग्राफ क्या प्लॉट करेंगे वी वर्सेस यू ठीक है इमेज डिस्टेंस वर्सेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप क्या प्लॉट कर रहे हैं इमेज डिस्टेंस डिस्टेंस वर्सेस ऑब्जेक्ट तो इमेजेंट ग्राफ तुमको दो अलग ग्राफ आएंगे ठीक है बिकॉज आपको मालूम है आपको पता है कि यहाँ पर चीजें जो होती है ना मतलब प्लेन मिरर के जैसा नहीं है कि uh, आपने क्या कर दिया आपने सीधा इंफिनिटी लेके कर दिया नहीं यहाँ वेरी करता है तो वेरी करता है तो हमको उस हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा तो लेट्स से लेट्स से हम लोग ने एक यहाँ ले लिया एक यहाँ ड्रॉ कर देंगे हम इसके बगल में ड्रॉ कर देते हैं है ना दोनों साथ में करेंगे पढ़ेंगे तो थोड़ा हमको अच्छे से समझ में आएगा ये कभी कभी तुमको उठा के अगर पूछ दिया तो तुम डायरेक्टली कर लेना ठीक है हेलो बच्चा व्हाट्स योर नेम भाई तुम्हारा नाम एटीट्यूड मैं ऐसे कैसे बोलू आई डोंदर यू है चलो मैंने मान लिया तो आप देखो ये तुम्हारा वी है ये तुम्हारा यू है अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इज योर एंड इज द यू ठीक है तो दो चीज के लिए हम करेंगे स्फेरिकल तुम्हारा एक होता होता है होता है तो लेट मी, लेट मी मी कॉल ये हम लोग के लिए कर लेते हैं और ये हम किसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए सब ठीक है एवरी वन इज इट ओके ऑल राइट ऑल राइट अब ध्यान से सुनो जब आप इसके लिए ड्रॉ करेंगे ध्यान से सुनो जब आप इसके लिए ड्रॉ करेंगे ना तो समवेयर समवेयर आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा ये ओरिजिन से पास होना चाहिए एक सेकेंड लेट मी जस्ट ट्राई ठीक है प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान से देना ये देखना ये देखो ये कर्व होके ही आएगा बट फिर से ये ओरिजिन से नहीं गया वन मोर ट्राई हाँ अभी ठीक है so, समवेयर ना समवेयर ये ऐसे कर्व होके ही जाएगा ये ऐसे कर्व होके ही जाएगा बट बट ये कैसे जाएगा ये यहाँ से ऐसे ओरिजिन से जाएगा ठीक है ये ओरिजिन से गया तुम्हारा एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट आप ऐसे बोल सकते हैं ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता है ठीक है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो जरा आप लोग ठीक है अच्छे से समझो यहाँ जब आप बोल रहे हैं यहाँ देखो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, ना, कहीं ना, ये जब आएगा ना तो आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव फोकल लेंथ होगा ठीक है माइनस एफ ठीक है यहाँ कहीं आप बोल सकते हैं एंड समवेयर समवेयर भी भी कहीं यहाँ भी कहीं आके आके आएगा ठीक है और ये ना एक्चुअल में इसको मैंने बहुत एग्जैक्टली परफेक्ट फिगर तो नहीं ड्रॉ किया है मैं कोशिश करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ दिस शुड वॉट मूव लाइक दिस ये ऐसा आना चाहिए बिकॉज ये देखो जब यहां जहाँ ये यह टर्मिनेट हो रहा ना ये भी ऐसे इस तरह से ऐसे टर्मिनेट होना चाहिए एग्जैक्टली exactly ये यह यहाँ से होना चाहिए तब आप बोल देंगे ठीक है तब आप बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा दिस विल बी वॉट दिस विल बी माइनस एफ समझा ये ये कॉर्डिनेट अगर आप लिखेंगे कॉर्डिनेट आप लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं देखो ना ये यहां से अगर ये ऐसे आएगा इसका कॉर्डिनेट ये यहां से ऐसे ले लो ना आई होप आई होप ये हो रहा है हाँ चलो परफेक्ट है ये इंटरसेक्ट पॉइंट ये है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये है हम यहाँ पर क्या बोल देंगे दिस इज माइन एस एफ माइनस एफ कॉमा माइनस एफ इज द्लियर एवरी वन ठीक है ये तुम्हारा किसके लिए आया दिस इज फॉर दी कॉनकेव अगर हम लोग कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करेंगे बच्चा ध्यान से जरा आप लोग देख लो प्लीज अच्छे से ये आपका ओरिजिन है दिस इज वॉर दी ओरिजिन इज अगेन ये भी तुम्हारा ओरिजिन है हाँ या ना परफेक्ट है ऑल right. तो देखो कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है ये यहाँ से आप ऐसे ड्रॉ कर लेना ठीक है मतलब तुम्हारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉन्वेक्स आपको मालूम है ना कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट तुम लेफ्ट साइड में ही रखते हो ठीक है और कॉन्वेक्स के केस में इमेज कहाँ फॉर्म होती है कॉन्वेक्स के केस में इमेज क्या होती है रियल होती है कि वर्चुअल होती है कॉन्वेक्स के केस में इमेज तुम्हारी क्या होती है वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है है ना एंड एंड यहाँ से जब आप ये देखो इसको मैं थोड़ा सा ये तुमको ड्रॉ नहीं करना है अगर तुमको आ गया बाई चांस अगर तुमको आ गया बाई चांस तो तुमको पता होना चाहिए ठीक है तुमको ड्रॉ नहीं करना है ये इस तरह से कुछ ऐसे पास होना चाहिए परफेक्ट 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 ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही बच्चा वर्चुअल होती है एकदम से करेक्ट एकदम से करेक्ट आप देखो ये ना ये यहाँ से मैं जानबूझ के ये करवा रही हूँ बिकॉज अगर कभी आ गया तो तुमको देख के ही तुम डायरेक्ट आंसर कर सको वैसे तो ऐसा टफ इतना अंदर घुस के कोई नहीं पूछता है तुमको नीट वाले क्वेश्चन ठीक है बट फिर भी हमको नॉलेज होना जरूरी है यू नेवर नो यहाँ देखो यहाँ देखो जब ये इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ तुम्हारा प्लस एफ कॉमा प्लस एफ आएगा ठीक है ये जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं यार इसको इरेज करो इरेज करो किधर गया हम्म हम लोग इसको यहां लिखते हैं हम इसको यहाँ लिखते हैं अदरवाइज मेरे पीछे छुप जाएगा ठीक है ये जो है ना ये पॉइंट दिस इज नथिंग बट प्लस प्लस कॉमा तो ये हो गया तुम्हारे दोनों के लिए हमने हमने ग्राफ कर लिया प्लेन मिरर के लिए कर लिया कॉनकेव के लिए कर लिया कॉन्वेक्स के लिए कर दिया ठीक है अब अगर अगर आप वन बाय वन अपॉन समथिंग ड्रॉ करना चाहें मतलब वन बाय वी वर्सेस वन बाय वी वर्सेस वन अपॉन यू अगर आप ड्रॉ करना चाहें ठीक है बिकॉज ये तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये सबसे सिंपल है ये स, जो और जो सबसे सिंपल है उसको तुम समटाइम्स एक्सपेक्ट भी कर सकते हो जो सबसे सिंपल होता है उसको हम समटाइम्स एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है तो इसको क्या करना है ये जैसे ही आपने एकस एकस आपने एक्स एक्स एक्सिस 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 एंड एंड वाई वाई लिया 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 ठीक है क्या ले लिया? लेट ले लेट्स से गुड इवनिंग बच्चा गुड इवनिंग तो ध्यान से देखो ध्यान से देखो आप लोग अब हम क्या करेंगे अब यहाँ जो ग्राफ जो जाएगा ना ग्राफ इस तरह से दो पैरल लाइन जाती हैं एक यहाँ से ऐसे चली जाएगी ठीक है एक यहाँ से, से चली जाएगी और दूसरा वाला जो जाए वन uh, सेकेंड दूसरी वाली जो जाएगी दूसरी वाली जो जाएगी वो इस तरह से जाएगी तो एक तुम्हारा कॉनकेव के, के लिए होता है एक तुम्हारा कॉन्वेक्स के लिए होता है ठीक है तो इसमें आप लोग टेंशन मत लेना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो होता है ये तुम्हारा पैरल लाइन्स होता है ठीक है अब चलो जरा हम इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ लेते हैं अभी मैंने क्या बोला कि समझ में आया समझ में आया सबको हा या ना वेरी गुड

यहां नेगेटिव होगा यहाँ आप बोल सकते हैं यस yes, बिल्कुल ये माइनस वन अपॉन एफ और ये तुम्हारा माइनस वन अपॉन एफ तो प्लस प्लस किसके लिए होता है प्लस प्लस कॉन्वेक्स के लिए होता है हाँ या ना और ये माइनस माइनस किसके लिए हो जाएगा दिस विल बी फॉर कॉनकेव मतलब जो आपके कॉनकेव वाली लाइन है वो कहा से जाएगी ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है ना नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस को क्या करके जाएगी इंटरसेक्ट करके जाएगी और जो कॉन्वेक्स वाली हो पॉजिटिव को करके जाएगी समझा वेरी गुड तो ये सारी चीज़ें दी ये तो जस्ट इतना ही नहीं बट जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो जरूरी है तो क्वेश्चन मैग्नीफिकेशन से आता है तो हम सीधा मैग्नीफिकेशन पे मूव कर जाते हैं मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है बढ़ा करके देखना है या ना मैग्निफिकेशन मतलब कोई भी छोटी सी चीज़ है उसको बड़ा करके देखना समझा तो कितने टाइप के मैग्निफिकेशन होते हैं आपको पता है आपको पता है आपने सुना होगा कि दो टाइप का मैग्निफिकेशन एक तुम्हारा ट्रांसवर्स एंड या फिर तुम लीनियर या लेटलर लैटरल बोलते हो हम सॉरी लैटरल बोलते हो या फिर तुम लीनियर बोलते हो ठीक है वो भी तुम्हारा अगेन वही है ट्रांसवर्स ही है आप उसको कुछ भी बोलो आप उसको क्या बोलो आपको बोलना है आप उसको लैटरल बोलो ठीक है आप इसको क्या बोल सकते हैं ट्रांसवर्स बोल सकते हैं ठीक है ट्रांसवर्स बोल सकते हैं या फिर या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं ठीक है लीनियर मैग्निफिकेशन मैग्नि लीनियर मतलब ये देखो ट्रांसवर्स मतलब ऐसा ऐसा एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस में बड़ा करके दिखने वाला ठीक है एक्स एक्सिस में बड़ा करके दिखने वाला सो ये तुम्हारा हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको आप डिनोट किससे करते हैं आप किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से डिनोट करते हैं तो चलो फटाफट से फॉर्मूला लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सो हियर वी कैन से स्मॉल एम जो होता है देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है सिंपली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट समझा तो ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला होता है विच इज हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन अपॉन क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया ना क्लियर है सबको ठीक है ये हो गया आपका विच इज करना चाहो तो बिल्कुल आप लिख सकते हमेशा ही नेगेटिव होता है यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है क्यों क्योंकि आप ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं समझा अब आप इसको अगर आपका जो मिरर फॉर्मूला है

कि uh, मतलब मैम हमको क्रॉस चेक करने की जरूरत है ये स्टेज पे तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगी कि भाई तुम ज्यादा क्रॉस चेक करने मत जाओ फॉर्मूला मिल रहा है शांति से लिख के प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करो तो अगर किसी को इंटरेस्ट है पहले नहीं किया है हमको चेक करना है तो तुम कर सकते हो ठीक है कुछ नहीं जस्ट तुमको मिरर फॉर्मूला यूज करना है वहां से तुम यहाँ से सब्सिट्यूट कर सकते हो ओके ओके थैंक यू सो मच एंड द नेक्स्ट वन इज वॉट नेक्स्ट वन इज वॉट कि अब आप किसके बारे में बात करेंगे हमने लीनियर कर लिया एक्सियल बोलो या फिर लॉन्जिट्यूडनल मतलब एक्सिस के बड़ा करके में दिख रहा है Horizontal, कौन सा है ट्रांसवर्स है या फिर लीनियर आप बोल सकते हैं और जो ऐसा एक्सिस बड़ा करके दिखेगा कभी कभी देखो ना किसी मिरर में आपका फेस ऐसा दिखता है 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 ना ऐसा बड़ा दिखता है, किसी किसी में ऐसा दिखता है तो जो यहाँ से बड़ा दिखता है वो तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया और जो ऐसा वर्टिकली दिखता है बड़ा वो क्या हो गया लॉन्जिट्यूडनल ठीक है सो दैट इज 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 दॉन्जिट्यूडनल क्लियर एवरी वन ठीक है अगेन इसको सपोज कि हम लॉन्डीट्यूड नल के लिए तो मैं एल सफिक्स लिख दे रही हूँ बिकॉज इफ एम यूज करूंगी उसके लिए भी एम यूज किया है तो यू नो हमको पता है कि हम एक ही नोटेशन दो अलग अलग चीज के लिए नहीं यूज कर सकते हैं है ना भाई हम इतने तो समझदार आई है यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा दिस इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है या आप क्या बोल देंगे लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट समझा आपको ठीक है आप क्लियरली बोल सकते हैं which is what, length of object. अब देखो देखो ना कुछ किसको भी हम लोग ने length माना तुम्हारा क्या हो जाएगा? सी अगर इसका हम अगर करेंगे प्लीज इसको जरा आप लोग समझने की कोशिश कर लो लेंथ तुम यूं ही तो नहीं लिख पाओगे length, length कैसे लिखोगे मान लो मान लो चलो हम लोग ने क्या ले लिया से फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मुझे सब बताएंगे ये कौन सा मिरर है कौन के वै की कॉन्वेक्स है जल्दी जल्दी मुझे सारे लोग बता देंगे फटाफट से मैंने जो मिरर लिया हुआ है जस्ट एग्जाम्पल के लिए ये मिरर कौन सा है कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है एवरी वन ऑफ यू ठीक है ये आपने इस तरह से बोल दिया बच्चा ध्यान से जरा आप लोग सुन लो ठीक है ध्यान से जरा सुन लो अभी आपने क्या बोल दिया कि लेट्स यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है आर यू गेटिंग माई पॉइंट ये आपने क्या रखा है ऑब्जेक्ट ऑल राइट यस परफेक्टली परफेक्टली कॉनकेव मिरर थैंक यू यस ये आपका पोल हो जाएगा हाँ या ना आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा है आपको पता है आपको पता है ध्यान से देखो आप लोग एवरी ये तुम्हारा U1 हो गया और ये तुम्हारा U2 होगा क्यों क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसा है ये देखो ना तुम इसको अगर मैं रखूँ एक ये वाले एंड से ये वाले एंड से मैं मेजर कर सकती हूँ लेंथ और दूसरा ये वाले एंड से ना तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला एंड है यहाँ से मैं पोल से यहाँ का डिस्टेंस यू है एंड पोल से जो दूसरा वाला एंड है वहां का डिस्टेंस यू है तो देर विल बी देर विल बी टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिमिलरली

ठीक है तो ये तुम्हारा V2 हो गया सो द रीजन द रीजन कि हम लोग जब यहाँ पर लिखेंगे ना इसका लेंथ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमको V1 V2 वी टू माइनस एंड यहाँ पर u2 टू माइनस करना पड़ेगा ठीक है डेफिनेटली इन्वर्टेड एंड ऑल तो होगा बट यहाँ हम लोग ने सिंस ऑब्जेक्ट ही ऐसा लिया है कि उसका इन्वर्टेड भी सेम दिखेगा बच्चा सेनो uh, say no. क्या है आपका नाम क्या बोल रहा है निकनेम से हमने ऑब्जेक्ट ही ऐसा लिया कि उल्टा सीधा कैसे भी देखो ना वो एक ही जैसा दिखेगा ठीक है तो इसीलिए फिलहाल अभी हमारा मैटर वो नहीं है कि ये इन्वर्टेड है कि नहीं है डेफिनेटली इन्वर्टेड होगा हमको सिर्फ ये जानना है कि लेंथ ऑफ इमेज तो लेंथ ऑफ इमेज आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन तो यूं ही रहेगा ये तुम्हारा v2 टू माइनस वी, वी हो जाएगा आप देखो ना यहाँ से इसको सब कर दो तो तुमको ये मिल जाएगा And length of object, क्या हो जाएगा, विल बी कॉल डेल्टा वी बाय डेल्टा यू हाँ या ना ठीक है आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज क्यों भाई बाय ठीक है ओके 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 वन सेकेंड वन सेकेंड ठीक है ये तुम्हारा हो गया Now, so what I can say that therefore mL mL is nothing but is equals to what? It will be simply. You can even you can you can if object is very small. If the object is very small, we can write this formula also. This is for this is for sufficiently large object. This is for the sufficiently larger object. And here you guys can say that this is for if object is very small. Okay, you people can say that if object is very small. समझ में आया हाँ या ना इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर ठीक है नहीं भाई रंजना रंजना सॉरी uh, रजनी 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 आई एम सॉरी तुम्हारा नाम गलत लिया है ठीक है यू नो दैट यू नो लाइट जो होता है लाइट कहीं से भी वो स्ट्रेट पास हो सकता है ठीक है डोंट डोंट वरी अबाउट दैट एक मिनट रुक जाओ जस्ट वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड चलो हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है लेट्स लेट्स गो एट लेट्स गो एट तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ये ही ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा सफिशियंटली यस सफिशियंटली स्मॉलर है, है तब तो आप यहाँ से बोल सकते हैं अदरवाइज देखो मिरर फॉर्मूला तुमको मालूम है कि इसको अगर हम एक और तरीके से करें एक और तरीके से जो बेसिक रिलेशन है बेसिक रिलेशन क्या है कि यहाँ तुम्हारा सिंपल सी चीज है ना

तो यहाँ से अगर ये रिलेशन यूज करके हम यहाँ चीज़ें सब्सटूट करें अगर हम चीज़ें यहाँ पर सब्सटूट करें तो आइडियली क्या मिलेगा आप देखो ना अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर ही लें अगर हम इसको निकाल के ये साइड करके अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो उतना सारा चीज़ अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है बट आप क्या बोल सकते हैं सिंपल सी चीज है सिंपल सी चीज़ है आप इसको बोल सकते हैं कि यू विल गेट दी वट डी बी वाई डी यू ठीक है डी बी वाई डी यू विल बी वट विच इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर ठीक है यहाँ से यहाँ से आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एंड सिंपल सी चीज है इस बेसिस पे इस बेसिस पे वी कैन से सेम एल इज नथिंग बट इज निकल टू माइनस एम स्क्वायर ठीक है मतलब जो आपका मतलब क्या है कि जो आपका लॉन्जिट्यूडल मैग्निफिकेशन है ठीक है जो आपका लॉन्जिट्यूडल मैग्निफिकेशन है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा दैट इज नथिंग बट डी डिवट लीनियर मैग्निफिकेशन को तुम स्क्वायर कर लोगे तुमको मिल जाएगा ठीक है Ah, can't you speak in english or korean uh, see but uh, i mean i can speak english and i can uh, speak hindi okay otherwise other other regional languages but uh, again here i have to i mean i just cannot speak in total in english because there are the audience who want lecture in hindi also and uh, to be honest i don't know korean ticket okay? so i'm sorry for that i don't know korean but yes, the probably I'm using all the terms in English only, okay? And I'm using English also. But yes, I have to, I have to use, in, you know, Hindi all as well because there are the audience, audience who knows Hindi better than English. So I have to be bilingual. So bilingual in the sense, what Hindi and English, not the Korean. I'm sorry for that. So oh. Aerial magnification. If we are talking about the what aerial magnification, simply here we can denote this. Simply here uh, we can denote this with MA. Okay. Let's say we are calling this as what MA, and this will be what area, area of image upon area of what object. Are you getting my point? Okay. This is the ratio. Okay. Uh, this is this is the ratio of what area of image upon area of object. Please uh, just. Uh,

सो हियर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दर्ट सो ये अपना क्या हो गया दिस इज वॉट यूर एरियल मैग्निफिकेशन ठीक है ये जो होता है ना ये किसी के लिए मोर दैन वन लेस दैन वन ऐसे आप बोल सकते हैं तो जैसे आप कॉन्केव मिररर की बात करें ठीक है सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी वर्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर कॉन्केव याद रखो फॉर फॉर कॉन्केव ठीक है कॉन्केव मिररर के लिए जब आप बोल रहे हैं तो एम विल बी वट एम विल बी ग्रेटर दैन वन सेकेंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी वर्ट फॉर कॉन्वेक्स ठीक है कॉन्वेक्स uh, मिलर के लिए बात कर रहे हैं सो so, कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा एम विल बी वॉट एम इज वॉट लेस देन वन एंड फॉर द्लेन मिरर इट इज इक्वल टू वन ठीक है फॉर प्लेन मिरर इट विल बी इज विल्वल टू वन क्लियर है इज क्लियर ठीक है चलो ये सारी चीजें हो गई बस इतना ही हमको पढ़ना था इतना ही हमको पढ़ना था तो आप बोल सकते हैं कि ये सब यहाँ से हो जाएगा सी बियॉन्ड सी जब आप बात करते हैं अगर ये सारी चीजें कभी हैं दिस इज वॉट द इमेज इज वॉट यू कैन से दैट रियल एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल ये चीज भी याद रखो नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे ये जो तीनों केसेस हमने लिखा हुआ है for, for extended object. मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं ना पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ठीक है फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड ठीक है दे आर रियल ठीक है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्लियर है ऑल राइट एंड इमेज जो है इमेज इज वॉट इरेक्ट ठीक है एंड वर्चुअल इसके केस में इमेज क्या है इमेज इज वॉट विच इज रियल एंड वर्चुअल यस सॉरी रियल एंड वर्चुअल कैसे हो सकता है दोनों इरेक्ट एंड वर्चुअल क्या कर रही हूं मैं इमेज विल बी वॉट इरेक्ट एंड वर्चुअल हाँ इसमें तो तुम्हारा वर्चुअली फॉर्म होता है ना सो इट विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल क्लियर है तो ये सारी चीज़ें हैं ये तो जनरली आप लोग वैसे सॉल्व करेंगे तब भी मिल जाएगा इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है बट ठीक है मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट कभी कभी इसको नहीं सॉल्व किए बिना अगर आपको याद रहेगा तभी भी आप बोल सकते हैं और सेकेंड वाला केस ये होता है सेकेंड वाला केस ये होता है कि अगर इमेज तुम्हारा क्या है इमेज क्या है विच इज़ रियल वहां पर हमने वर्चुअल बोला है अभी हम इमेज रियल बोल रहे हैं ठीक है तो मिरर तुम्हारा क्या हो जाएगा कि मिरर तुमको मालूम है कि कॉनकेव होगा और मिरर क्योंकि तुमको यह पता है कि रियल इमेज कॉन्केव में ही फॉर्म होती है ठीक है कॉन्केव में ही कॉन्केव के में ही फॉर्म हो जाएगी ठीक है सो दो चीजें यहां पर दो ऑप्शन आ जाते हैं एक तुम्हारा बियॉन्ड सी बियॉन्ड सेंटर पॉइंट ठीक है एम विल बी विल बी लेस देन माइनस वन आएगा या आप अगर डायरेक्ट याद रखेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं अगर इनकेस आया क्वेश्चन एंड अगर एट सी अगर सेंटर पे ही पूछ दिया सेंटर पे ही पूछ दिया तब तुम्हारा क्या होगा एम इक्वल्स टू माइनस वन एम क्या आ जाएगा माइनस वन ठीक है एंड इसके अंदर सेकेंड केस हो गया ठीक है एंड द थर्ड केस बिटवीन सी एंड एफ हो सकता है हाँ या ना करेक्ट so, है ना ओके तो बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ सी एंड एफ अगर आप बोल देंगे तो क्या आ जाएगा so, इस केस में एम विल बी वॉट ग्रेटर माइनस वन होगा अगर आप सी एंड एफ के बीच में यहाँ पर आप बोल सकते हैं ना कि इमेज जो है रियल है फॉर्म हुआ तो ये तुम्हारा एम क्या हो जाएगा इट इट विल बी माइनस माइनस ग्रेटर दैट्स तो ये सारी चीजें ये तो हम इस पे आएंगे बच्चा आप लोग अगर मुझसे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है आप जस्ट मेरा कोड यूज कर लेना अर्चना टेन ठीक है तो आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं चलो अब हम सीधा आ जाते हैं सीधा आ जाते हैं नेक्स्ट वाली चीज पर एंड आई नो क्राउड आज इतना कम क्यों है भाई सब संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या बता दो मुझे जरा अगर ऐसा कुछ है ऐसा कुछ है अगर आप लोग संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे ये भी बता दो ठीक है आ, बच्चा बच्चा क्या रिपीट करना है क्या रिपीट करना है महानंद महानंद एंड अनस क्या रिपीट करना है बच्चा मुझे बता दो लास्ट वाला जो हम लोग ने लास्ट पॉइंट कवर किया उसके बारे में बात कर रहे हैं आप लास्ट पॉइंट जो कवर किया उसके बारे में बात कर रहे हैं जल्दी जल्दी से बता दो अमन ओके सबको लास्ट कंडीशन टू अच्छा ठीक है मैं ओके लेट मी कम टू कंडीशन टू कहाँ गया भाई ये रहा कंडीशन टू ये है देखो कंडीशन वन से समझने की कोशिश करो हमने ठीक है हमने कंडीशन वन में ये बोला हमने कंडीशन वन में ये बोला कि ये अपना जो है ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला है इसको याद रखोगे तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी बट इसको मैंने इन शॉर्ट बोला इसको मैंने इन शॉर्ट इसलिए बोला ध्यान से देखो अगर अगर तुम्हारा मिरर जो है कॉनकेव है यहाँ कॉन्वेक्स एंड प्लेन के लिए बट इमेज कैसा होना चाहिए तुम्हारा इमेज जो होना चाहिए ना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए ठीक है इमेज शुड बी वॉट आई एम सॉरी ऑब्जेक्ट शुड बी रियल एंड एक्सटेंडेड लाइक फॉर हियर हियर यू कैन टेक एन ऑफ पेन आप पेन देख रहे हैं ये बड़ा ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है छोटा सा ऑब्जेक्ट नहीं है इसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है एंड ये रियल ऑब्जेक्ट है ना दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि किसी का इमेज फॉर्म हुआ है कहीं मिरर पे हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं तो उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं जैसे जैसे अगर दो मिरर ले लो समझो दो मिरर ले लो यहां से कहीं यहाँ से कहीं ये नो एक्चुअल ऑब्जेक्ट आके उसका रिफ्लेक्शन इसमें फॉर्म हो रहा है अब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर तो ये वाले मिरर के लिए इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है ना इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो वो ऑब्जेक्ट जैसा वर्क कर रहा है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया बट फर्स्ट वाले मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट है आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है सो ओके ओके ठीक है तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि विच इज एक्सटेंडेड रियल एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैसा फॉर्म होना चाहिए इरेक्ट एंड वर्चुअल क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है क्वेश्चन में गिवन होता है और तुमको फिर पूछा जाए मैग्निफिकेशन तो समटाइम्स आप ना डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं ठीक है हेलो बच्चा गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सो सो द रीजन यू गाइस कैन आंसर इट डायरेक्टली इसलिए मैंने आपको बोला कि ये तुम्हारा ग्रेटर देन वन यहाँ तुम्हारा लेस देन वन और ये इक्वल टू सेकेंड केस में हमने क्या बोला कि अगर इमेज तुम्हारा रियल फॉर्म हो रहा है इन फर्स्ट केस इमेज वॉज वर्चुअल

उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे रिफ्रैक्शन क्या है कि सिंपल सी चीज है आपने क्या ले लिया कि आप रिफ्लेक्शन कल हमने डिस्कस किया था सॉरी रिफ्लैक्श रिफ्रैक्शन नहीं किया हुआ था तो रिफ्रैक्शन के लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट सरफेस चाहिए आप यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दो हियर इज द नॉर्मल लेट्स से लेट्स से द लाइट रेज आर व्हाट इंसिडेंट एक कोई लाइट रे इंसिडेंट हुआ अब डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम वेर द लाइट इज पासिंग फ्रॉम यू नो डेंसर टू रेर और माइट बी रेरर टू डेंसर देर कुड बी टू पॉसिबिलिटीज ना आप आपको पता है कि आपको पता है कि इफ द लाइट विल वॉट पास थ्रू दी दट सपोज हियर इज दी दॉट नॉर्मल दिस एक्स वाई इज दी दट विच इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है फॉर एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग दिस इज दी वेरर मीडियम लाइक एयर एंड ऑल जिसकी डेंसिटी कम है मीडियम uh, की रेरर मीडियम एंड हियर वी गाइज आर दिस इज सेज दी डेंसर मीडियम देर आर दी प्रॉपर्टीज इफ द लाइट रे पास फ्रॉम दी रेर टू डेंसर इट विल बैंड टूवर्स इट विल बैंड टी नॉर्मल बट डी वैंगल ऑफ इंसिडेंस आई तुम्हारा क्या है इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर है सबको क्लियर है ठीक है ये तो सबको मालूम ही है एंड आर इज वट विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन

द वेरी फर्स्ट थिंग जब आप लॉस के बारे में पढ़ते हैं आप स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं ठीक है स्नेल्स लॉ क्या है कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिस्पेक्ट टू में ये आपको कॉन्स्टेंट मिलता है ये आपको कॉन्स्टेंट मिलता है ठीक तो है एंड द कॉन्स्टेंट इज वट विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विध रिस्पेक्ट टू वन अगर एयर है एयर है तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा तुम्हारा ठीक है का होता है। इन जनरल आप म्यू भी लिख सकते हैं तो हम देखो हम जब लिखते हैं हम लिखते हैं तो कभी भी फॉर्मुला ऐसे लिखते हैं ना म्यूजिकल्स टू नोइंग दिस बिकॉज आपने बहुत बार यूज किया होगा सो म्यू इज इकल्स टू हम क्या लिखते हैं म्यू इज इकल्स टू r। क्यों अगर यहाँ कुछ नहीं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू एयर Since, refractive index of air, जो होता है का बात करो vacuum का वो one होता है लिखना लिखना नहीं लिखना, बात वही होता है ठीक ठीक है 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 बात वही होता सो so, ये तुम्हारा हो गया विच इज ए एंड अगर बाकी कोई और मीडियम होगा अपार्ट फ्रॉम द एयर तो वी हैव टू राइट वी हैव टू राइट दैट एंड इसी को हम क्या बोलते हैं कॉल दिस एज वॉट स्नेल्स लॉ इसको ही हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ हो गया एंड द लॉ इज वर्ड सेकेंड लॉ आप क्या बोलते हैं कि अगेन uh, तुम बोल सकते हो कि इज इंसिडेंट रे ठीक है क्या बोल सकते हैं आप इंसिडेंट रे एंड दिस विल बी वर्थ दिफ्रैक्टेड रे ठीक है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ये क्या है दैट शुड लाई इन द सेम प्लेन ठीक है लाई इन सेम प्लेन जैसे कल हम लोग ने बात किया था ऑल राइट right, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए सेम प्लेन में होना चाहिए एंड द थर्ड थिंग ऑन दी अपोजिट साइड ठीक है रिफ्रैक्टेड रे ठीक है शुड बी ऑन अपोजिट साइड ऑफ दॉर्मल ठीक है शुड बी ऑन अपोजिट साइड ऑफ दॉर्मल इज दर एवरी वन ठीक है opposite side of normal is this okay is this clear everyone all right see this is nothing but the what uh, laws of refraction this is what the laws of refraction now just now just pay attention over here sometimes we uh, i mean we are using this mu or otherwise we can use n also n or mu please do not get confused this is nothing but the what uh, refractive index

That is fine, but what is the basic definition of mu? What is the basic definition of mu? So you guys can say that a refractive index of mu2 with respect to mu1 is nothing but the word velocity of light in first medium to the velocity of light in the second medium. Are you getting my point, everyone? This is the word velocity of light in first medium. Okay, velocity of light in medium 1. इन मीडियम फॉर्मुलेस याद रखना ये बहुत जरूरी है बहुत बार यूज होते हैं ठीक है ठीके? इसको भी आप ऐसा इसको आप क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको आप क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं यू गाइज आर प्रोनाउंसिंग इट वॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू सो यू शुड राइट फर्स्ट

रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वॉट इनवर्सलीसिटी ग्लास में जो होता है स्पीड ऑफ लाइट कम होता है कम्पेयर टू एयर एयर का सबको आई थिंक पता ही होगा आई मीन आई डोंट थिंक सो की आई शुड राइट बट ठीक है चलो मैं लिख देती हूँ सी जो होता है बाकी सब इससे कम है बाकी सब इससे कम है ठीक है चलो लेट्स लेट्स गो गो अहेड अहेड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड विच इज इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन ठीक है तो देर कुड बी टू टाइप्स ऑफ इमेजेस कुड आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस ठीक है द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड वी आर वी आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट वर्ड फ्रॉम द टॉप कैन यू सी दिस प्लीज

आप इसको नॉर्मली देख रहे हैं सो यू हैव टू यू हैव टू आई मीन राइट कि क्या हो जाएगा इसका वर्ड विल बी यू नो मैग्नीफाइड होगा या क्या होगा समझ में आया समझ में आया सो दैट्स वैट्स वॉट डिस्कस मुझे एक बार बता दो ये चीजें जो हम कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है या फिर ऐसा ऊपर से जा रहा है कुछ याद आ रहा है कि नहीं चलो तो मैं आप लोग का थोड़ा कमेंट्स देख लू uh, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं एवरी वन ऑफ यू हेलो बच्चा हम्म आई थिंक समझा वेरी नाइस चलो चलो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ जाते हैं एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इज ओके ओके ठीक है तो सिंपल सी चीज है सिंपल सी चीज़ देखो जब आप बोल रहे हो ना कि यहाँ से आप इसको नॉर्मली देख रहे हो नॉर्मली आप कहा से देखोगे आप तो ऐसे देखोगे ना आप यहाँ से यहाँ से क्या देखोगे नॉर्मली देखोगे तो यहाँ पर जो है ना अपर इन शिफ्ट होगा देर विल बी अ शिफ्ट ठीक है और वो

अगर आप किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में वर्टिकली ऐसे देख रहे हो ठीक है वर्टिकली यूं ही देख रहे हो तो तुम्हारा जो इमेज है हमको देखो ना दिखता है ना कि अभी देखो ना तुम जैसे एग्जाम्पल के लिए ये तुमको वैसे तो तुमको क्या बोला कि डेंसर से रेरर हम देख रहे हैं डेंसर से रेरर मतलब क्या क्या ग्लास रख दो ग्लास और ग्लास के बाहर ग्लास के अंदर से देखो ग्लास के अंदर से कुछ देखो बाहर सपोज के क्या है वो एयर है

तो सिंपली एक्चुअल में वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है तो यहाँ तुम देख सकते कि हो कि शिफ्ट ये होगा क्लियर है जल्दी जल्दी से बता दो हाँ या ना ठीक है और डी यहाँ पर क्या है डी इज द डेप्थ डी क्या है प्लीज इस चीज को याद रखना डेप्थ है जितना अंदर देख रहे हो अगर सपोज पानी है पानी ग्लास कहीं भी देखोगे ना ग्लास का डेप्थ क्या होगा जितना मोटा वो ग्लास होगा

अभी हम डेंसर टू देखते हैं ठीक है तो ये आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग कहाँ देख रहे हैं सो so, यहाँ से फ्रॉम डेंसर टू ये रेरर होना चाहिए ठीक है डेंसर टू रेरर मीडियम तो सिंपल सी चीज है ना कुछ नहीं होगा तुम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो अब यहाँ लैटरल शिफ्ट हो जाएगा तो अगेन यहाँ पर आप शिफ्ट बोल सकते हैं शिफ्ट विल बी वर्ड गिवन बाय हाँ या ना तो शिफ्ट क्या हो जाएगा विच इज म्यू इन टू बिकॉज म्यू तो जरूरी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूरी है क्लियर है यस So this will be what, this will be, आप सिंपली यहां से कॉमन ले सकते हो यू माइनस वन यू माइनस वन इंट एच एच इज दाइट एच मतलब क्या है तुम्हारा हाइट है ठीक है कितना हाइट तक कितना हाइट से आप वहां से देख रहे हो तो वो चीजें हैं तुम यहाँ से निकाल सकते हो आइडियली तुमको ये सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो फिलहाल हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो आप लोग टेंशन मत लो फालतू का The नेक्स्ट थिंग इज वट विच इज refraction through glass slab. आपने एक्सपेरिमेंट में भी शायद बचपन में किया होगा इलेवेंथ में तो चांस निकल गया ठीक है यहाँ क्या होता है कि यहाँ से जब ये देखो ना इस तरह से ऐसे ग्लास स्लैब है ये ग्लास लाइब है अगर आप इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें लाइट यहाँ आता है यहाँ से ऐसे बेंड होता है फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ से बाहर निकलता है आइडियली आइडियली लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए था बट ये ना थोड़ा सा बेंड होता है तो ये जो शिफ्ट हुआ है ना ये शिफ्ट हुआ इसको ये सपोज ये डी डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट इसको हम क्या बोलते हैं वी कॉल दिस एज वट लैटरल शिफ्ट ठीक है what, तो ये लैटरल शिफ्ट कितना होता है वो हमको फाइंड आउट करना है ठीक है Case one में में और हम same medium में ही है yes, yes, yes. Because हम में, हम में नहीं जा सकते ना, हम water में से नहीं जा हम water में से नहीं जाके देख देख रहे हैं, हम में से देख रहे हैं हैं समझा तो वैसा लाइट वहां से आ रहा है लाइट वहां से आ रहा है ठीक है चलो अब यहां पर यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब तो ग्लास लैब में भी अगेन आप क्या बोल सकते हैं कि जो

यहाँ से यहाँ से यही हम लोग एक क्या करते हैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है फिर यहाँ से एक लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा यहाँ पर लाइट थोड़ा सा बेंड होगा बिकॉज से से डेंसर मीडियम में लाइट लाइट जा रहा है है ठीक तो इस तरह बेंड हो जाएगा चलो इसको यहां तक लाती हूँ मैं फिर दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ नॉर्मल में बाद में इसलिए ड्रॉ करी बिकॉज डायग्राम परफेक्ट ड्रॉ करना है मुझे इसलिए अब ये यह यहाँ से जाके थोड़ा ऐसा शिफ्ट होगा क्यों क्योंकि अब ये डेंसर से रेरर में आ रहा है आइडियली आइडियली इस लाइट रे को ऐसा स्ट्रेट जाना चाहिए था हाँ या ना ठीक है अब आप देखो ना अब आप देखो ना ये क्या है तुम्हारा अब ये समझा लैग हो गया सॉरी सॉरी नाउ इज इट क्लियर नाउ इज इट एवरी वन ऑफ यू गाइस इज इट क्लियर नाउ तो देखो ये सिंपल सी चीज है यहां हम लोग ने कंसिडर किया कि सिंस सिंस आई इज वेरी स्मॉल ठीक है आई जो है वो स्मॉल है सो so, आपको पता है कि जो थीटा होता है यहाँ से तुम निकाल सकते हो तो क्या नहीं समझा क्या नहीं समझा भाई देखो ना अगर एंगल छोटा होता है एंगल छोटा हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है ना इज द एंगल नागल साइन तो साइन आई को अप्रो, अप्रोक्सीमेटली आई लिख सकते हैं कॉस आई तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई कॉस आई क्या होगा आई I मीन mean, कॉस जीरो क्या होता है जीरो जीरो, जीरो होता है ना एनीथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये तो यूं ही निकल जाएगा अब तुम यहाँ से लिखो ना तुम्हारा क्या हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू आई अब सब्सिट्यूट कर लो अब क्या ही जा रहा है इसमें ठीक है अकीफ अकीफ 2023 के लिए भी आ रहा है 2023 के लिए ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट ऑनवर्ड ठीक है फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री गाइज आई एम स्टार्टिंग ऑगस्ट फर्स्ट एंड थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई को आई विल लॉन्च दैट कोर्स आई विल गिव यू दम्पलीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सो डोंट वरी अबाउटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सबके लिए ला रहे हो तुम लोग आ जाओ लेक्चर में वो बड़ी बात है नि? पता चलता है मैं अकेले ही पढ़ते रहती हूँ दो चार लोग के साथ चलो हमने कर लिया ठीक है समझ में आया समझ में आया ये सारी चीजें हो गई एंड अब हम सीधा यहाँ पर आ जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ पॉसिबल है इफ लाइट रे विल वॉट पास फ्रॉम वेयर डेंसर टू रेरर ठीक है कहाँ से कहाँ अगर डेंसर से रेरर जाएगी मस्ट कंडीशन है देन ओनली द टी आई आर इज पॉसिबल क्यों अब देखो ना आपने पढ़ा होगा हमने पढ़ा होगा सपोज ये क्या है दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस ठीक है मैं यहाँ तीन चार नॉर्मल ड्रॉ कर लेती हूँ ये एक नॉर्मल हो गया लेट्स से अपना ये दूसरा नॉर्मल हो गया ठीक है हमने यहाँ से ये यह क्या बोल दिया दिस इज वॉट योर थर्ड नॉर्मल एंड से हम लोग ने यहाँ से फोर्थ नॉर्मल आई मीन एटलीस्ट इतना तो लगता ही है ठीक है अब यहाँ सपोज यहाँ से सपोज आपने एक लाइट इंसिडेंट कराया ठीक है लाइट रेज क्या हुआ कि यहाँ से इंसिडेंट हुआ अब दिस इज लाइट रेज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर तो आइडियली क्या होगा एज पर दी लॉ डेंसर से रेरर में लाइट रे क्या हो जाता है आपको पता है कि वो शिफ्ट होगा ठीक है बढ़ गया तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा होगा हाँ या ना क्लियर है सबको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा होगा कि नहीं अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है आप यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा ना दर्ड केस अब further you are increasing further you are increasing the what angle of incidence now the angle of refraction will be what even more theek hai ab aapne kya kar diya isko increase kar diya to jo tumhara refraction hai wo aur bhi badh jayega refracting angle kya ho jayega aur bhi badh jayega samjha and the last case अब आपने क्या कर दिया Let's say इसको और ज्यादा increase कर दिया आपने इसको क्या कर दिया Angle of incidence और बढ़ा दिया तो अब तुम्हारा लाइट रे क्या होगा कि फाइनली अभी दूसरी मीडियम में वापस आ जाएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन ऑफ यू गाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ध्यान से सुनो आप लोग इस चीज को देखो हमने क्या बोला कि लाइट कहाँ से कहाँ पास हो रही दिस इज बद दी सोर्स यह आप बोल सकते हैं सोर्स है, है. ये आपका मीडियम कौन सा है दिस इज वर्थ दसर मीडियम एंड हियर इज दर्ड विच इज अ रेयर मीडियम ठीक है एंड ऑल दीज आर दी नॉर्मल्स लाइक एन वन एन टू

I mean, uh, angle of incidence second time because it is more the reason I am calling this as I1, I2. So, this will be your R2. Third one again, even you can say the angle of incidence has been increased, which is your R3. This is your R4. Are you getting my point? And here, this one is what your I5, this one is your I5. एंड दिस विल बी वॉट अब हो गया ठीक है ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया इज नो मोर रिफ्रैक्शन हम क्या बोलते हैं ये जो आर थ्री है ना आई एम सॉरी इसको मैंने आर थ्री क्यों बोलाई थ्री सॉरी गाइज और दिस विल बी ऑर आई थ्री एंड ये जो आई थ्री है ना आई थ्री को हम क्या बोलेंगे आईसी क्यों क्यों आई सी बोलेंगे बिकॉज दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल आईसी इन द सेंस दिस इज क्रिटिकल एंगल आर आर यू यू गेटिंग गेटिंग पॉइंट पॉइंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन आई एम रिपीटिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स नाइंटी डिग्री अगेन आई एम रिपीटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से एंगल को बोलेंगे

याद आ गया होगा एंड सबको समझ में आ गया होगा ठीक है समझ में आया अब टेंथ में तो था ही पर क्या करें अब पढ़ना तो पड़ता है सोचो टेंथ वाली चीजें नीट में पूछी जाती है फिर भी हम लोग है कि डरते रहते हैं अरे मामिक्स में इतना टफ है

ये लाइट कहां जा रही है डेंसर टू रेर ट्रेवल कर रही है अगर सपोज की लाइट रे रेर टू डेंसर जाएगी रेरर टू डेंसर जाएगी तब पॉसिबल होगा क्या एवरी वन ऑफ यू जस्ट लेट मी नो इफ द लाइट रे रेल वॉट पासर मीडियम टू डेंसर रादर डेंसर टू रेर पहले हम लोग ने हमने जो डिस्कस किया वो डेंसर टू रेर डिस्कस किया मैं तुमको पूछ रही हूँ रेरर टू डेंसर तब पॉसिबल होगा क्या यस यस नो यस नो ये क्या है भाई ये क्या है भाई होगा क्यों होगा अच्छा जो बोल रहे होगा वो भी बता दो रीजन बता दो एंड जो नहीं बोल रहे हैं वो भी बता दो तो यहां तुम बोल बोल सकते सकते हैं कि आ, आप बोल सकते हैं, विच रिफ्लेक्टिंग ठीक है? और रिफ्लेक्टिंग आर दी जब आप ऑल के बारे में पढ़ते हैं सेकेंड चीज होता है आप ऑप्टिकल फाइबर पढ़ते हैं ठीक है जो आपके घर में वाईफाई केबल्स वगैरह लगे हुए हैं ना वो सारे ऑप्टिकल फाइबर्स पे वर्क करते हैं ठीक है ऑप्टिकल फाइबर्स देन आप थर्ड मिराज बोलते हैं ठीक है समझा अरे भाई इसलिए नहीं होगा देखो ना तुम जरा ध्यान से देखो अभी ध्यान से देखो अगर ये सपोज रेर रे टू डेंसर होता ये तुम्हारा टूवर्ड शिफ्ट होता सपोज यहाँ पर आता सेकंड केस में ये इसके पार्ले आता थर्ड केस में ये सेम साइड तो तुमको पता है यहाँ पर आई मीन तुम्हारा इंसिडेंट इन, इन, रे और रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे सेम साइड आ जाता तो, तो पूरा लॉ ही वायलेट कर देगा मतलब तो तुम अपने मन का लॉ बताओगे दोनों जगह में बोला है ना कि तुम्हारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड नॉर्मल के होना चाहिए तुम्हारा तुम्हारा इंसिडेंट रे रे और रिफ्रैक्टेड भी साइड साइड होना चाहिए सेम नहीं हो सकता है तो तो जब वो वाला केस लोगे तो तुम्हारा तो सेम साइड चला जाएगा तुम तो कोई लॉ ही नहीं फॉलो कर रहे हो तो कहीं पॉसिबल होगा नहीं होगा समझा ऑप्टिकल फाइबर में दो चीजें याद रखना कि इसमें कोर और क्लैडिंग होता है ठीक है कोर एंड क्लैडिंग जो

बढ़िया अच्छी बात है अच्छी बात है आपको समझ में आ गया अब हम सीधा रिफ्रैक्शन हम, हम लोग स्फेरिकल सरफेस तो स्फेरिकल सरफेस क्या होगा तुम्हारा सिंपल सी चीज है ना अब क्या अब सीधा तुम स्फेरिकल मिरर्स पे बात करो तो स्फेरिकल सरफेस मतलब क्या हो जाएगा दो चीजें होंगी अब आप ध्यान से देखो ना दो चीजें क्या भाई कहाँ कहाँ बिजी हो आप लोग सब अपनी दुनिया में बिजी हो आप लोग तो क्यों भाई नुका, तुम लोग लोग का तुम का ये भी दे चलो जाने दो मैं ये पढ़ लेती हूँ ठीक है रिफ्रैक्शन ऑफ वॉट रिफ्रैक्शन मैंने क्या बोल दिया कि विच इज एट स्फेरिकल सर्फेस तो स्फेरिकल सर्फेस के बारे में जब मैं बोल रही हूँ तो देखो दो चीजें हो सकती है एक तुम्हारा कॉन्वेक्स हो सकता है और एक कॉन्केव हो सकता है ठीक है तुम कॉन्वेक्स की बात करो और कॉन्केव तो सिंपल सी ये फॉर्मूला याद रख लेना ठीक है कोई भी हो म्यू टू अपॉन वी ठीक है म्यू टू अपॉन वी मतलब जो भी तुम्हारा सेकंड मीडियम है अपॉन म्यू वन अपॉन यू ठीक है दैट इज गिवन एज व्हाट इसको आप इक्वल टू कर सकते हैं म्यू टू माइनस ठीक है म्यू टू बाय ये तुम्हारा क्या होता है कि अगर तुमको रिफ्रैक्शन

ऑब्जेक्ट v, v. डिस्टेंस है? है तुमको पता ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक है एंड वी क्या है वी इज द इमेज डिस्टेंस ठीक है ठीक है तो ये सारी चीजें हो गई ये सारी चीजें हो गई अब आप इसको अच्छे से याद रखना अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लिखना है तो सपोज जैसे मैग्निफिकेशन है मैग्निफिकेशन आपको पता है विच इज डिनोटेड बाई एम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हाँ या ना अगर स्कोर, के टर्म में लिखना है आप ऐसे लिख सकते हैं तो कभी कभी तुम ना तुम्हारी लग जाती है एकदम से ये, ये कहाँ से क्या अजीब सा ही क्वेश्चन आ गया हम नाइन्थ स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं. और याद रखना कि प्लेन सरफेस के लिए ठीक है फॉर प्लेन सरफेस आर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है आर जो होता है वो इन्फाइट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफानाइट होता है सो द रीजन द रीजन कि आप अगर यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे इज माइनस म्यून अपॉन यू तो ये तुम्हारा इक्वल टू इक्वल टू जीरो तो यहाँ से लेके आओ एंड चीजें निकाल सकते हो ये तुम्हारा किसके लिए दिस इज फॉर प्लेन मिरर हाँ या ना और ये तुम्हारा क्या है विच इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स

खत्म so, yes, right. so, कर लेते हैं फिफ्टीन मिनट तो जाएगा लेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं एक तुम्हारा कॉन्वेक्स एक कॉन्केव तो यहाँ मैं किसकी बात करी हूँ कॉन्वेक्स की कॉन्वेक्स में देखो कितने कितने टाइप के लेंस हो जाएंगे एक इस तरह से ऐसे आ जाएगा इसका रेडियस ऑफ है, इसको हम क्या बोलते है? Convex, अब आप क्या बोलेंगे एक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम भी आ जाए दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम सेम हो समझा तब आप इसको क्या बोलेंगे इसको आप बोलेंगे कॉन्वेक्स इसको, इसको आप क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स गया और ये इसी को क्या हो गया <coughs> समझा ये तुम्हारा इक्वी कॉन्वेक्स हो गया ठीक है या इन जनरल इन जनरल आप इसको कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ही इन जनरल बोल देते हैं अब उसके बाद आ जाता है तुम्हारा प्लेनो कॉन्वेक्स एक साइड प्लेन रहेगा एक साइड कॉन्वेक्स तो तुमको पता है प्लेन वाले साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है इसको तुम आर बोल दो ये तुम्हारा हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स एंड अगर अगेन आर टू होगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा दिस इज कॉनके वो कॉनवेक्स ठीक है ये तुम्हारा क्या हो गया कॉनके वो कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ तुम्हारा आर वन जो है वो निगेटिव रहेगा आर टू तुम्हारा ओ, R1, R1, R2, हाँ, इसको यहां से तुम कंप्लीट करोगे इसको यहां से कंप्लीट करोगे जिसका मतलब लेफ्ट साइड में आ जाएगा वो तुम्हारा उस हिसाब से तुम पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हो समझा चलो यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली और किसी को कुछ डाउट नहीं सर ये हो गया ये तुम्हारा कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा विच इज नथिंग बट डी वर्ट कॉन्वेक्स लेंस ऐसे सिमिलरली हम कॉन्केव के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी तो सबसे पहले सबसे पहले ऐसे इस तरह से कॉनकेव आर वन एंड आर टू ये इसको बनने में तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है ना कर्व कर्व बनाना पड़ता है हमको ये तुम्हारा r1 हो गया ये तुम्हारा r2 टू विच इज बाय कॉन्केव इसको आप क्या बोलेंगे ये तुम्हारा हो गया बाय कॉन्केव अब उसके बाद में आपको इक्वी कॉन्केव भी आप बना सकते हैं ठीक है आप इक्वी कॉन्केव भी बना सकते हैं कि दोनों का आर आर हो ये हो गया तुम्हारा इक्वी कॉन्केव अब आप क्या बना सकते हैं ये प्लेनो कॉन्केव बना सकते हैं ठीक है प्लेनो कॉन्केव ऐसा यहाँ तुम्हारा इंफिनिटी जाएगा और ये तुम्हारा आर होगा सो दिस इज वर्दी प्लेनो कॉन्केव एंड लास्ट वाला जो है आप कॉन्वेक्सो कॉन्केव ये तो कॉनकेव है ही है और ये यहाँ से यहाँ से आप ऐसे कॉन्वेक्स पार्ट ले सकते हैं ठीक है तो अगर यहाँ से हम इसको लेंगे ये तुम्हारा हो जाएगा इट विल बी समिंग लाइक दिस इसको मान लो किसी को आप आर वन मान लो किसी को आर टू मान लो किसी को आर वन मान लो किसी को आर टू मान लो तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव हो जाएगा ठीक है दिस इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव हाँ या ना मैम डाउट क्या डाउट है भाई पूछो जल्दी से पूछो जल्दी जल्दी पूछ लो जो डाउट है हाँ सोचो तो, तो बोर्ड पे होता तो कितना अच्छा होता अरे आ जाएगा सिबासी सिबासी सबके दिन आएंगे वन नीट एग्जाम होने से पहले वो भी दिन आ जाएंगे ठीक है तो ये तुम्हारा हो गया विच इज दोनों टाइप के लेंस पढ़ लिए अब हम लोग सीधे से बात कर लेते हैं कि लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस कि अगर अगर यू नो लाइट रेस कहाँ कहाँ से जा रही है सपोज आप बोल रहे हैं कि आपका लेंस है ठीक है आपने इसको क्या बोल दिया लेंस है देखो ये तुम्हारा ये तो थोड़ा टेढ़ा बन गया ना इसका लेंस कैसा होता है भाई कोशिश करती हूँ मैं इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ करने का ठीक है सीधा ड्रॉ करने बोला तो ये और टेढ़ा बन रहा है एक लास्ट ट्राई अगर नहीं बना नहीं बना तो हम इसको छोड़ देंगे यहाँ से बट अगर लास्ट ट्राई देना ही है तो मैं जुगाड़ करूँगी ठीक है अगर लास्ट ट्राई देना ही है तो नहीं भाई जुगाड़ तो कर लेती हूँ मैं वैसे तो आई कैन डू इट लाइक दिस चलो अब क्या जाता है किसका ये लेंस ही है ठीक है <laughs> दिस इज नथिंग बट दी लेंस ओनली आप ये प्रिंसिपल एक्सेस देख सकते हैं ठीक है जुगाड़ करना है तो भाई अच्छे से करो है ना ये आप यहां से यहां से ऐसे देख सकते हैं बट इसको हम लोग यहां तक ही रखेंगे ऑप्टिकल एक्सिस ठीक है एक तुम्हारा ऑप्टिकल एक्सिस हो गया एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अभी चलो फटाफट से ये जो बीच वाला लाइन होता है इसको ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं हम और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अब लाइट रे अगर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पार्लेल आता है तुमको पता है तो वो कहाँ से पास हो जाएगा यहाँ कहीं आके ऐसे फोकस से जाएगा अगर ये पार्ले लाएगा पार्ले लाएगा तो कहाँ से पास होता है ऐसे फोकस पे इंटरसेक्ट करेगा ठीक है ये 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 फर्स्ट रूल होता है जो आप लोग को मालूम है ठीक है ये ये कॉन्वेक्स का हो गया सिमिलरली ऐसे कॉन्केव का भी हो सकता है कॉन्केव का भी ऐसे ही हो सकता है कि लाइट अगर कहां से आ रहा है ये इस तरह से जा रहा है तो मान लो मान लो ये अपना क्या है मान लो ये अपना क्या है दिस इज वर्थ प्रिंसिपल एक्सिस तो ये यहाँ के क्या आके ये यहाँ से एक्चुअल में एक्चुअल में ये कैसे जाएगा ये यहाँ तुम्हारा यू नो रियल इमेज फॉर्म होता है तो सबसे पहले ये यहाँ गया यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे चला जाता है ये यहां से आया यहां से ऐसे चला जाता है इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं इसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ का इमेज फॉर्म होता है यहाँ का इमेज फॉर्म होता है अगेन ये फोकस पे ही फॉर्म होगा समझा इमेज इमेज विल बी फोकस ओनली जो है वो फोकस पे ही फॉर्म होता है ये भी तुम्हारा फोकस ही है समझा समझ में आया समझ में आया सो ये तुम्हारा ये तुम्हारी चीजें क्या है ये यह आप यहां से बोल सकते हैं आप यहाँ से कि कि फर्स्ट लॉ अगर लाइट रेज इेज आर पासिंग टू कैन से अगर सपोज सेंटर से पास हो रहा है ठीक है अगर एक ही चीज ले ले रही हूँ इफ द लाइट रे इज वर्ट डायरेक्टली पासिंग थ्रू दी वर्ड सेंटर तो अनडेविएटेड चला जाता है ठीक है वो अनडेविएटेड चला जाएगा सेंटर सेंटर है, सेंटर से जा रहा है तो चला जाएगा। एंड थर्ड थर्ड वन वन क्या है, जाएगा? पे मिलता है, तो सी है, सी है अगर या आप बोल सकते हैं कि अगर फोकस से पास हो रहा है ठीक है इफ द लाइट रे इज वॉट पासिंग फ्रॉम फोकस ये यहाँ से ऐसे फोकस से जा रहा है और उसके बाद इंसिडेंट कर रहा है पहले फोकस से आ रहा है फिर इंसिडेंट कर रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है ठीक है फिर इंसिडेंट तब वो पैरेलल जाएगा तब वो पैरेलल जाएगा किसके पैरेलल जाएगा तुम्हारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल चला जाएगा वन ठीक है ये इसके पैरेलल यहाँ चला जाएगा इसके पैरेलल यहाँ चला जाएगा क्लियर है क्लियर है ठीक है ऑल राइट एंड जो लोग यहाँ बदतमीजी करने आते हैं भाई तुम्हारे लिए ना बहुत सारी जगह है ठीक है तुम जैसे लोगों के लिए ही ये सारी चीजें दुनिया भर का जो न्यूज चलते रहता है ना आप जैसे ही लोगों के लिए तो आप जाके वहां एंजॉय कर लो आई मीन दिस इज नॉट द्लेस फॉर यू तुम 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 जो करना चाहते हो अपने में ना ही तुम्हारी कमेंट्स पढ़ने में सो so, अननेसेसरी कम से कम इतना तो तुम्हारे अंदर शर्म होनी चाहिए कि जो बाकी लोग स्टूडेंट्स है जेनविन कमेंट्स आ रहे हैं एटलीस्ट उनकी कमेंट्स रहने दो ठीक है तुम्हारी वजह से ना मे बी क्वेश्चन मिस हो सकता है मैं तुमको बोल रही हूँ अदरवाइज नो बडी इज इंटरेस्टेड ठीक है पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पैदा हो जाते हैं सो दिस इज वर्ड दे दिस इज कि अगर अगर ये लाइट रेस से जा रही है फोकस से जा रही है तो फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी दैट विल वॉट पास नॉर्मल सेम चीज अगेन आप इसमें भी बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा विच इज वॉट योर कॉन्केव लेंस

समझा ये तुम्हारा फोकल पॉइंट हो जाएगा एंड so, तो चीज है अब यहां सीधा हम कॉन्वेक्स तो लेंस की बात करें आई थिंक द डायग्राम इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू ठीक है ऑब्जेक्ट इज वॉट एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट इज तो इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकस पॉइंट आप देख सकते हैं पार्लल है तो यहाँ आके फोकस पे मिल रहे हैं Second one is what? Second one, अगर हम बोल रहे हैं कि कि तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या होता है? Which is center होता है? है, है? है, है, है? ठीक ठीक और वो 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 exactly जो 2F, क्यों? क्योंकि के तुमको है कि center से पोल का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है ठीक है दैट इज वॉट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इमेज इज नॉट क्लियर पिक्सल्स ब्रेक हुए रहेंगे अब क्लियर है अब क्लियर है नाउ इज इट क्लियर सिबास नाउ आकांक्षा सो यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर uh, रखा हुआ तो water, center, inverted है तो इमेज इज फॉर्मिंग एट वॉट इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन दोकल पॉइंट एंड देंटर ठीक है इनवर्टेड है इनवर्टेड है डिमिनिश फॉर्म होगा इनवर्टेड है डिमिनिश फॉर्म होगा एंड नाउ Now, actually, मैंने एक में सारे इमेजेस रख दिए ना इसीलिए शायद से थोड़ा सा होगा। कोई बात नहीं ये मैं तुमको anyway, कर दूंगी तुम लोग वहां से देख तुम तुम लोग से देख लेना ने रख दो इमेज तुम्हारा सेंटर पे, पे, तो पे फॉर्म होगा और सेम साइज का होगा इनवर्टेड होगा सेम साइज का होगा एंड उसके बाद में जब आप इसको कहा रखेंगे इमेज जो है इनवर्टेड ही है बट

Now, now is it clear? ठीक है पूरा का पूरा आई थिंक इमेज ही ब्लर हुआ है so, सो तो हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा द रीजन की ऐसा हुआ है अदरवाइज तो नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये चीजें कोई बात नहीं मैं आप लोग को ये नोट शेयर कर दूंगी आप वहां पिक्चर आराम से देख सकते हैं ठीक है आप लोग पिक्चर में नोट शेयर कर दूंगी आप उसमें देख लेना नेक्स्ट वन इज वर्ड विच इज इन केस ऑफ कॉन्केव तो कॉन्केव में आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट आपने क्या रखा बियॉन्ड टू एफ रखा है इमेज जो होता है यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म होता है ऑन द सेम साइड फॉर्म हुआ आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है सेम साइड में फॉर्म हुआ है नाउ सिंपली यू गाइस कैन से दैट इमेज विल बी विमिनिश ठीक है इमेज तुम्हारा क्या हो गया डिमिनिश हो गया एंड दैट्स इट ठीक है ये सारी चीजें हैं बाकी हम लोग बाकी हम लोग चीजें जो है वो कल कर लेंगे आई I मीन mean, बाकी के लेक्चर बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा टाइम हो गया ठीक है अभी कल बाकी है कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं सो so, कल जो है हम ऑप्टिकल uh, इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ठीक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करने के बाद में फिर ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग कर लेंगे ठीक है बच्चा अगर आप लोग कोई मुझसे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं आइकॉनिक पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको नोट्स वगैरह सब मिलेगा आप मेरा कोड है अर्चना टेन आप इसको यूज कर लीजिए आपको इमिडिएटली टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा ठीक है ट्वेंटी टू वाले स्टूडेंट्स ट्वेल्व मंथ्स के लिए ट्वेंटी फोर वन मंथ्स के लिए ट्वेंटी थ्री वाले स्टूडेंट्स आप ट्वेंटी वन वाले भी ले सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं आप अम्बैट के लिए रजिस्टर कर दो ठीक है कॉम्बैट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं नेक्स्ट कॉम्बैक भी हो जाएगा आपको पता है ये सारी चीजें होंगी एंड कल से 22 वाले लोग, 22 वाले वाले लोग लोग तुम्हारा 7 से क्लास चालू हो रहा है आई होप यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड अबाउट दिस ठीक है और कल हम लोग फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रो का एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है इलेक्ट्रिक चार्जेस हम स्टार्ट करेंगे तो आई होप आप सब लोग आएंगे ठीक है एंड बाकी चीजें मैं आपको बता दूंगी सो so चलो आज के लिए बस इतना ही हाँ बहुत बड़ा है अब इसको एक एक ही साथ नहीं कर सकते ना आप लोग को अच्छा लगा हो तो लेक्चर लाइक ले, और शेयर कर देना बाई न्यू स्टूडेंट्स बच्चा सब्सक्राइब कर लेना चलो बाय बाय टेक केयर एवरी मिलते हैं कल एंड uh, आप लोग जस्ट uh, मुझेडमी के आप पे फॉलो कर लो आई एल सी टुमारो वन पी एम प्रोबेबली आपका स्पेशल क्लास होगा ठीक है वन पी एम स्पेशल क्लास होगा ठीक है तो चलो बाय बाय टेक केयर एवरी वन